मॉर्निंग आवाज आ रही है? जल्दी बोलो। यस इंग्लिश इसमें जो है, सीनियर प्रोफेसर कॉल्स यंग लेक्चरर मिस्टर सोक्रेट्स, ही इज यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच। ये कल हमने शायद डिस्कस कर लिया था कि एक सटायर है, ठीक है? क्यों है ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि द फर्स्ट ब्रिटिश पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच सिंबोलिस्ट। ये मॉडर्न मॉडर्निज्म में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्निज्म। अब इसमें किसी ने सही किया था? बोलो, जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट था उसमें किसी ने सही किया था? सर, नहीं मुझे तो लगा ये आयरिश से आता है सर, स्किप कर इसका देते हैं। आंसर है WB Yeats। हाँ आप सर, क्यों है डब्ल्यू सुन बी लो, एच का तुम्हें पता है कि लगता है। WB Yeats एक आयरिश पोएट था, ठीक है, और ड्रामेटिस्ट था, ये सब था, और 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा इसका योगदान है, तुम्हें पता है कि एबे थिएटर लाने में, ठीक है, और पोइट्री में, ठीक है। अब जब फ्रांस में सिंबोलिज्म स्टार्ट हुआ था, तुम्हें पता है कि फ्रांस में सिंबोलिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच सिंबोलिज्म का प्रभाव हर जगह पड़ने लग गया था, जिसमें तुम्हें पता है WB Yeats ने कितनी सिंबोलिस्ट पोइट्री लिखी है। कहीं पर वो जायर का सिंबल लाता है, कहीं पर वो स्पिंक्स का सिंबल लाता है, कहीं पर वो जो है फॉल्कन और फॉल्कनर का सिंबल लाता है। तुमने पढ़ी तो है पोएम, सिंबल आते हैं कि नहीं? यस सर, तो ये सब चीजें सिंबोलिज्म से येट्स ने भी ली, और येट्स जो है फ्रेंच सिंबोलिज्म में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला व्यक्ति था, ब्रिटिश पोइट, ठीक है, उस समय जब शुरुआत में आया था। तो जब भी आएगा, देखो आप ऐसे देखना कि टेनिसन तो किसी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है, TS एलियट, तुम्हें पता है TS एलियट जो है किस तरीके की पोएट्री लिख रहा था, फ्रेगमेंटेड, ठीक है, और दूसरा TS एलियट इमेजिज्म में इन्वॉल्व था, याद है तुम्हें? यस डब्ल्यू सर, एच ऑर्डेन किस तरीके की पोयम लिखता था, बताओ? ऑर्डेन बहुत ही मॉडर्न पोयम लिखता था, मॉडर्न पोएट्री, और ऑर्डेन की पोएट्री के खब्स जो है, ऑर्डेन किस वजह से अपने सबसे ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि उसके होमोसेक्सुअल रिलेशन किसके साथ थे, बताओ? आईशरवुड और इशरवुड। और चलो फिर यही बता दो आप, ऑर्डेन किस तरीके की पोएट्री लिखता था? नहीं पता तो मैं तुम्हें एक हल्का सा आइडिया दे दे रहा हूं, इतना तो समझा नहीं सकते अभी, ठीक है? तो जब शुरुआत में ऑर्डेन ने पोएम लिखी थी, अर्ली पोएम्स, ठीक है, तब वो थॉमस हार्डी और विल्फ्रेड ओवन वगैरह से जो वॉर पोएट थे, इनसे प्रभावित था। थॉमस हार्डी तो अलग है, तुम्हें पता है, और वॉर पोइट्स विल्फ्रेड ओवेन, इनसे इन्फ्लुएंस था, ठीक है। लेकिन बाद की पोएट्री में ऑर्डेन जब मैच्योर हुआ, ठीक है, और जब उसने पोएम बाद में लिखनी शुरू की, तो वो बहुत ही कॉन्क्रीट इमेजेस बनाता था, कोलोकियल लैंग्वेज लाता था। कोलोकियल लैंग्वेज होती है जो पुरानी लैंग्वेज होती है, पहले जो यूज की जाती है, कॉन्क्रीट इमेजेस, एकदम ठोस इमेज, रियल जिस जो लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, TS एलियट की तरह ही इसकी फ्रेगमेंटेड पोएट्री थी, और टर्स का मतलब होता है तीखी, तीक्ष, जो आप पर प्रहार करती है सीधे, तो ये है। और वैसे भी कॉन्क्रीट इमेजेस बनेगी तो टर्सनेस अपने आप आ जाएगी, तो ये चीजें हैं, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं,
डीएच लॉरेंस का सबसे पहला वर्क ये तो तुम बता ही दोगे, अर्लीस्ट वर्क, द रेनबो, द व्हाइट पीकॉक, लेडी चैटरलीज, लवर्स, सन्स एंड लव, लवर्स, व्हाइट पीकॉक, व्हाइट पीकॉक, द व्हाइट पीकॉक, ठीक है। डीएच लॉरेंस में कई बार क्रोनोलॉजी पूछी गई है, तो क्रोनोलॉजी तैयार कर लेना इसकी कि कौन कब आया था, इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। किसी को याद है क्रोनोलॉजी? कम से कम चार पांच नॉवल की फेमस इसके। हाँ यस सर। अच्छा, व्हाइट पिकॉक कब पब्लिश हुई थी बता सकते हो? सर 1911 में। 1911। चलो यही यही क्रोनोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है। सन्स एंड लवर्स कब हुई रेनबो? 1915। 1913 में सन्स एंड लवर्स। रेनबो 1915 और 1913 में सन्स एंड लवर्स 13। 1913 ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, सन्स एंड लवर्स, और लेडी चैटरलीज लवर भी आपको रटा होना चाहिए। 1928, ठीक है। इसमें जो है डीएच लॉरेंस ने केस लड़ा और कितने साल बाद ये जीता, कोई बता सकता है किस सन में इसको फिर पूरी मान्यता मिली? किताब 1960 में पब्लिश कराने का जो है केस जीत ही लिया आखिर में डीएच लॉरेंस ने। डीएच लॉरेंस की एक थ्योरी है जो बहुत फेमस है, कौन सी है? ब्लड क्लॉट, ब्लड रिलेशन थ्योरी, यही है ना, ब्लड रिलेशन है ना? यस सर, यस सर। तो ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहला आता है द व्हाइट पीकॉक, दूसरा आता है सन्स एंड लवर्स, ये चारों को पक्का याद रखना, तीसरा रेनबो, लेडी चैटरलीज, लवर, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे याद कर लो कि वहां पर इलाके में एक व्हाइट पीकॉक देखा गया था, उसको देखने सारे सन्स भी आए, लवर्स भी आए, क्योंकि वो एक कौतूहल का विषय बन गया था नंबर दो। और एक व्हाइट पीकॉक को जब नाचते हुए लोगों ने देखा और उसी समय रेनबो आ गया आकाश में, तो एक अलग ही क्या हो गया, पूरा समा बंध गया। और जो है ऐसा व्यक्ति जो कभी भी बाहर नहीं निकलता था, लेडी चैटरलीज लवर, वो भी वहां पर आ गया इस सब का तमाशा देखने। अब याद हो जाएगा? यस सर, यस सर। अगर आप में से लेडी चैटरलीज लवर किसी ने पढ़ी हो, मैंने तो पढ़ी है, तो तुम्हें पता होगा कि जो उसका लवर होता है वो एक बहुत निम्न स्तर का, निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है जो उनके फार्म हाउस में काम करता है, और वो एक झोपड़ी नुमा जगह पे रहता है, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं होता, उनके उसमें ही पल रहा होता है, तो वो उस इलाके से बाहर निकलता नहीं है देख रेख। लेकिन भाई साहब ये व्हाइट पीकॉक को देखने जब सन्स एंड लवर्स आए, रेनबो भी आ गया, तो लेडी चैटरलीज लवर भी नहीं रह पाया, तो उसने कहा आज लेडी चैटरली में सही रेनबो ही देख के आए। अब तो याद हो जाएगा? उसी समय याद करा देते हैं तुम्हें, बस कटाकट दूसरी बार का मतलब ही नहीं है। हु कॉल्ड हिमसेल्फ ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम्हें आता भी है मुझे पता है, कोई बात नहीं, आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और आता है तुम बता भी दोगे, जल्दी बताओ, तुम्हें जितना आए उतनी अच्छी बात है। टीएस इलियट, जी हाँ, ये टीएस इलियट है। अब टीएस इलियट के बारे में थोड़ी सी एक गहरी चीज पूछता हूं कि ये जब इसने कहा क्लासिसिस्ट इन, आई एम ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ठीक है, ये क्यों कहा, बस इतना बता दो तो समझूंगा कि तुम्हें लिटरेचर आता है। व्हाई? रिलीजन चेंज कर लिया था इन्होंने, चेंज क्लासेस से कैथोलिक बन गया था सर। समझ में नहीं आया सर? रिलीजन चेंज किया था और उसका वर्क। यस सर। क्या? अरे ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम्हारा हमेशा के लिए फंडामेंटल सही हो जाएगा। देखो
जब तुम जानते हो कि टीएच इलियट कहाँ का था, ओरिजिनली कहाँ का था? अमेरिका, और यहां से वो छोड़ के चला गया कहाँ? इंग्लैंड, इंग्लैंड, यानी कि उसने अपने को एक्सपेट्रिएट कर लिया, ही एक्सपेट्रिएटेड हिमसेल्फ। जब ये इंग्लैंड गया तो विवादों का विषय बन गया, विवादों का विषय बन गया और लोग कहने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है और ये इंग्लैंड चला गया अमेरिका को छोड़ के। ये सब, कोई उसके धर्म पे सवाल उठाने लगा, कोई उसके अमेरिका के साथ जो है एक जुड़ाव पे सवाल उठाने लगा। तब इस टीएस इलियट ने एक और चीज कही जो फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसने पब्लिकली क्या करा कि पहले लोग उसे, वो कहता था अपने को, टीएस इलियट पहले अपने को कहता था कि आई एम एग्नोस्टिक। तो जब वो यहां से गया तो लोगों ने उससे कहा, तो ही पब्लिकली रिनाउंस्ड, उसने त्याग दिया एग्नोस्टिसिज्म। और एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है ये भी बता दूं, जब आप कहते हैं कि आप उस फिलोसफी पे बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस जो है अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के अलावा किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस अपने अनुभव के बाहर जाके नहीं समझ सकते, यानी जो उनको अनुभव हुआ है उतना ही ह्यूमन समझ सकते हैं। ठीक है, द फिलोसफी दैट ह्यूमंस कैन नॉट नो ऑफ द एग्जिस्टेंस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अपने शब्दों में, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज बियॉन्ड द फिनोमेन ऑफ एक्सपीरियंस। बियॉन्ड द फेनोमेना ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो इसने पब्लिकली रिनाउंस कर दिया एग्नोस्टिसिज्म। और जब इसने रिनाउंस किया, त्यागा इसको, तब उसने जो अनाउंस किया वो ये है जो क्वेश्चन है। और जिस बात के लिए उसने अनाउंस किया कि मैं अब एग्नोस्टिसिज्म नहीं हूं, एग्नोस्टिक नहीं हूं, रादर आई एम ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, मैं अपने अनुभवों पे बिलीव नहीं करता, अब मैं लिटरेचर में तो भैया क्लासिसिज्म पे बिलीव करता हूँ, पॉलिटिक्स में मैं रॉयलिस्ट हूँ, और रिलीजन में मैं एंग्लो कैथोलिक हूँ। ठीक है, तो मैं एक चीज में टाइप्ड नहीं हूँ, अब मैं इतना संकीर्ण नहीं रहा कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को ही मानूं, रादर आई हैव ट्राइड टू बिकम ए वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड, और आई हैव ट्राइड टू स्ट्रेच माई होराइजन्स ऑफ थिंकिंग और बेंट ऑफ माइंड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पता था तुम्हें ऐसा क्यों हुआ था? नो सर, नो सर। अब ये टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, येट्स का ये पोयम है, तुम्हें पता है येट्स की पोयम है, ये कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें पता है ये। सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग, फॉल अपार्ट, सॉरी, येट्स की एक पोयम से लिया गया है, कहाँ, किस, बताओ बस जल्दी क्या है? चिनुआ, सेकंड कमिंग, चिनुआ, ये बहुत बढ़िया जो है नॉवलिस्ट है। कमिंग जैसी पोयम को तुम इतने हल्के में लोगे तो क्या होगा भाई? चलो यही बता दो कि द सेकेंड कमिंग पोयम में थिंग्स फॉल अपार्ट जो लाइन है वो कहाँ पे आती है? सर थर्ड लाइन है, थर्ड, ओपनिंग स्टेंजा है ना ये? सर ओपनिंग टर्निंग टर्निंग से स्टार्ट है, थर्ड लाइन में आएगा। हाँ, तो ये देख लेना भैया, द सेकंड कमिंग को आपको पढ़ना है, मैं हर चीज नहीं बता सकता, इतना लंबा पेपर है। ठीक है, पर ये एक इम्पोर्टेंट है, और पोयम को जब भी पढ़ते हो
या उसके बारे में देखते हो। मैं ये इस समय तुम्हें मॉडर्निज्म और इसमें को हर पोएम तो देख नहीं सकते आप, न देखनी आपने। आपने क्या देखना है सर? आपने ये देखना है कि क्या इसका टाइटल कोई इम्पोर्टेंट है। कई एक बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, अगर लिया है तो कहाँ से लिया है, क्या इसमें किसी और का रेफरेंस है, किसी और वर्क का, अदर वर्क, ठीक है, और क्या इसमें इसका थीम क्या है, ठीक है, और इसका जो पोएट्री है पूरा, इसका थीम क्या है, और इसमें कोई स्पेशल सिंबल यूज है क्या। अब येट्स में तो मैं सिंबल कहूंगा क्योंकि सिंबॉलिस्ट है, कहीं पर अगर कोई इमेजिज्म वाला है तो इसमें कोई इमेज यूज है, और कहीं पर सिंपल पोएट्री, कौन से ऐसे मेटाफर हैं जो इंपॉर्टेंट है, बस इतनी चीजें देखनी है, बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है तो ईयर भी देखना है कि इसका ईयर क्या था, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है। फिंडेसिकल, फिंडेसिकल मीन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्या होगा जल्दी बताओ। फिंडेस, ऑफ सेंचुरी एंड ऑफ सेंचुरी, बिल्कुल सही, ठीक है। फिंडेसिकल जो है वो कौन सा वर्ड है? इट इज ए फ्रेंच फ्रेज, फ्रेंच इसका बेसिकली ओरिजिन है, और अब इसका मतलब क्या है ये सुन लो। ये फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ एसोसिएटेड था, स्पेशली किसके, अभी हम जिसकी बात करते, फ्रेंच सिंबोलिस्ट, अब जब 19 सेंचुरी का एंड था, ठीक है, वो एंड ऑफ द सेंचुरी हो गया 19 सेंचुरी का, उस समय सबसे ज्यादा जो सोसाइटी अफेक्टेड थी फ्रांस में वो थी कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है, तो कल्चरल अवेयरनेस जो आ रही थी, और ये टर्म ये भी कहता है कि क्लोजिंग यानी एंड ऑफ द सेंचुरी तो है ही, साथ में एक नई सेंचुरी की शुरुआत भी है, तो उसके बीच की, उसके ठीक उस पॉइंट की चीज है, ठीक है। तो जहां पर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है कि एंड ऑफ सेंचुरी, और यही पॉइंट है फिंडेसिकल, जो नई शुरुआत है, स्टार्टिंग ऑफ न्यू। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया फिंडेसिकल? ठीक है, हम नेट के लेवल पे नहीं जाएंगे कि फिंडेसिकल पे पूरा अंदर घुस गए और सब चीज। फिंडेसिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इस सेंचुरी में, इस पॉइंट में, एक तरफ तो क्लोजिंग हो रही थी 19 सेंचुरी की, ठीक है, तो इस जो क्लोजिंग या एंड हो रहा था वो हो रहा था पीरियड ऑफ डीजनरेशन। जितनी भी जो वो पूरा समय था डीजनरेशन का, जहां पर वो कहते थे ज्यादा प्रोडक्टिव पीरियड नहीं है, वो पीरियड खत्म हो रहा था, और इसी पॉइंट से जब ये पॉइंट एंड है किसी सेंचुरी का, तो नई सेंचुरी की शुरुआत भी है, तो एट द सेम टाइम ये पीरियड ऑफ होप ऑफ न्यू बिगिनिंग भी था। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें जो पीरियड ऑफ होप एंड न्यू बिगिनिंग था, आप जानते हैं कि फ्रांस में उस समय सबसे ज्यादा जो चीज शुरू हो रही थी वो थी कल्चरल अवेयरनेस, अपने कल्चर की अवेयरनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी इस पीरियड में। तो खैर, ये पॉइंट जो, इस पॉइंट को हम कहते हैं फिंडेसिकल, जिसके बाद से सब सही था, उससे पहले पीरियड ऑफ डीजनरेशन था, तो इसलिए इसको इन्होंने कहा कि एंड ऑफ द सेंचुरी है ये फिंडेसिकल। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस ये फ्रेंच लिटरेचर के सर, रेफरेंस में है, याद रखना, कहीं तुम इसे एसोसिएट इंग्लिश लिटरेचर से ना कर रहे हो, वहां के हिसाब से वो पीरियड ऑफ डीजनरेशन था। क्लियर है? जी सर।
अगला, एज ए फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु अटर्स दिस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने कितने कंपटीशन में आया हुआ है, ये कौन अटर करता है, और ये बहुत इजी भी है एक तरीके से अगर आपने पढ़ा हो तो। ग्लौस्टर किसका है इन चारों में से? ग्लौस्टर किंग लियर क्या? ग्लौस्टर है। या कॉर्डेलिया या एडगर? डी ग्लौस्टर। ग्लौसेस्टर बोलो, ग्लौस्टर नहीं। तो ये है सही ग्लौसेस्टर, ठीक है। आप किस प्ले में है, विच प्ले? किंग लियर। किंग लियर में हु अटर्स दीज लाइन? ग्लौसेस्टर, ठीक है। ग्लौसेस्टर तुम जानते हो कि ग्लौसेस्टर भी लियर की तरह अपने साथ हुए जो है क्रूअल, अपने साथ हुए क्रूअल क्रूरता उसके साथ जो हुई थी उसको रिवील करता है, ठीक है। अब क्या क्रूरता हुई, चाहे वो भाग्य की आयरनी का हो, चाहे दुनिया की आयरनी का हो, जैसे किंग लियर के साथ देखो कितनी आयरनी हुई, राजा होते हुए उसे क्या झेलना पड़ा। अब हुआ क्या था, द सन ही थॉट ट्रेचरस, एडगर हैज प्रूव्ड इनोसेंट, बट ओनली आफ्टर ग्लौसेस्टर ड्रोव हिम आउट। एडगर को ग्लौसेस्टर ने निकाल दिया था क्योंकि उसे ट्रेचरस सोचता था, लेकिन वो ही बेटा सबसे इनोसेंट निकला, ठीक है। और ग्लौसेस्टर ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे एडगर को वेश बदलते हुए पागल भिखारी की तरह देखा, वेश बदले हुए पागल भिखारी के रूप में देखा, और लियर की तरह ही द पॉम्पस ग्लौसेस्टर हैज बीन फोर्स टू फील व्हाट द रेज्ड ऑफ द अर्थ फील, द क्रुएलिटीज ऑफ हेवन एंड ऑफ मैनकाइंड अलाइक। और जो लियर की तरह जैसे भाग्य ने लियर के लिए पासा पलटा था, और लियर भी बहुत बड़ा बोस्टिंग वाला था, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़े शो और ये इस पे बिलीव करने वाला, वैसे ही ये ग्लौसेस्टर भी था, और उसको भी इसी जन्म में जो है अपने पूरी लाइफ में आदमी किस किस तरीके से गिर सकता और कैसे बिहेव कर सकता, ये सब उसने यही देखा जैसे लियर ने देखा। तो ये सब जब उसके पूरी तरीके से एक्सपीरियंस रहे लाइफ के, तब वो ये अटर करता है कि एज ए फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। हम कुछ नहीं है भैया, मक्खी की तरह है, ये भगवान हमें अपने खेल के लिए कभी भी यूज कर सकता है, मार भी सकता है, ठीक है। तब वो अपनी इस अनुभव को निचोड़ता है इसमें, और जो मेमोरेबल लाइन है, मोस्ट मेमोरेबल लाइन है ये शेक्सपियर के इस नाटक की, और एक्ट फोर सीन वन है ये, लाइन 36-37 है, ये भी याद कर लेना, एक्ट फोर सीन वन 36-37 लाइन में आता है। तो कहता है भैया कि गॉड जो है बिल्कुल अनकेयरिंग है, अनजस्ट है, और हमें मक्खी की तरह समझता है, कुछ नहीं हमारी वैल्यू, और हमें कभी भी किसी भी क्रूरता के साथ कुचला जा सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये उसके लिए एक बाएं हाथ का खेल है। तो ये सब इसलिए क्योंकि अपनी लाइफ में वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है, और किंग लियर की तरह पैरेलल उसकी लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। बोलो क्लियर? यस सर। अब तुम में से किसी ने किंग लियर की स्टोरी बताई पढ़ी है तो ये बताओ, ग्लौसेस्टर किंग लियर से रिलेटेड कैसे है, क्या है किंग लियर का ये? सर्वेंट। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर सर्वेंट था सर। कौन होता है? अर्ल होता है ग्लौसेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर। ये रिच भी होता है, पावरफुल भी होता है, और किंग का बड़ा वफादार होता है, ठीक है।
क्लियर है। इसके दो बेटे होते हैं एडगर और एडमंड। एडगर तो होता है उसका रियल वाइफ का बेटा, यंगर सन, और जो जिसके साथ उसका एडल्ट्री होती है, जो है रिलेशन होते हैं, उस औरत का होता है एडमंड। तो ये वफादार होता है किंग लियर का। तुम्हें ये पता होगा किंग लियर के कुछ वफादार थे वहां। यस सर। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म पैराबल है, एपिस्टॉलरी नॉवल है, एलेगरी है, पॉलिटिकल फेबल है, तुम्हें क्या लगता है? एलेगरी। ठीक है, एलेगरी है, क्योंकि तुम्हें पता है किसी पैरेलल स्टोरी के पैरेलल चलती है। किस पैरेलल स्टोरी के? तुम्हें पता है जो लेनिन का मार्क्सिज्म है, और इसमें इन्वॉल्व है लेनिन, ट्रॉट्स्की, ठीक है, स्टालिन, याद है? तो इन सब पे है ये। लेनिन को दिखाया मेजर नाम के जो है बोर से, ट्रॉट्स्की को किससे दिखाया है स्नोबॉल्स नाम के, और स्टालिन को दिखाया है नेपोलियन के हिसाब से। चलो ये तो सही है, एपिस्टॉलरी तुम्हें आती ही है। पैराबल जान तो, पैराबल किसे कहते हैं? एक दिन मैंने बताया था नीति कथाएं, नीति कथाएं, नीति कथाएं तो मॉरल स्टोरीज भी हो सकती है। अच्छा, और नैतिक, नैतिक कथाएं हो गई। नीति कथाओं से कोई नहीं समझा। पैराबल भी ऐसी चीज होती है, देखो इसमें क्या होता है कि एक बहुत शॉर्ट स्टोरी होती है, बहुत ही शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। उस स्टोरी को या उस चीज को आप सुनते हैं, और जैसे ही उसको पैरेलली आप मानव जीवन पे अप्लाई करते हैं, ह्यूमन, तो वो पूरी तरह हमें क्लियर हो जाती है कि ये क्या सिखाना चाह रही है पैरेलली, ठीक है। जैसे एक पेंसिल बनाने वाले ने, मैंने सिखा, याद आया कुछ बताया था, पेंसिल बनाने वाले ने कहा, अरे पेंसिल मैं तुझे कुछ ज्ञान देता हूं, याद रखना कि तू जो है बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन तेरा इस पूरी दुनिया में कोई सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि तेरे को थामने वाला कोई हैंड या हाथ नसीब ना हो, तब तक तू अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरा, इसलिए अपने पे घमंड मत करना। फिर कहता है पेंसिल अपने अपने द्वारा की गई गलती को तू ही मिटा सकती है, मैंने तेरे अंदर ये एबिलिटी डाली है, और तेरे पीछे एक रबर लगाया हुआ है जो तेरे द्वारा की गई गलती को जो है खुद ही मिटाएगा, उसमें तुझ में अपने को करेक्ट करने की सामर्थ्य है। फिर वो कहती है पेंसिल तुझे जो है बार बार जो है शार्प किया जाएगा, ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है नहीं तो तू अच्छा नहीं लिख पाएगी और इसमें तुझे बड़ा पेन होगा, लेकिन ये शार्प करना बहुत जरूरी है, तो छीलना बहुत जरूरी है, ये पेन लेना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो कहता है पेंसिल तेरे तेरी सबसे बड़ी जो कैपेबिलिटी है वो तेरे अंदर की लेड है, जो लेड तेरे अंदर मैंने डाली है, वो उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी है तू उतना बढ़िया लिख पाएगी, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना। और लास्ट कहता है पेंसिल, पेंसिल मेकर उसको डब्बे में डाल के कवर में लगाने से पहले लास्ट कहता है, लास्ट बात बता दूं कि तू जब ऐसा लिख पाने में सक्षम हो कि जहां भी लिखे तो अपने निशान छोड़ जाए, मार्क्स, तो लोग कहेंगे कि भैया हाँ क्या पेंसिल है, बहुत बढ़िया इसकी लिखाई है, ऐसा कह के वो कहता है इनको याद रखना, और डब्बे में बंद कर देते हैं, और पेंसिल मुस्कुराते हुए डब्बे के अंदर पैक हो जाती है, कहानी खत्म। लेकिन अब इसको रिप्लेस करते हैं ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग, जब तक आप अपने को किसी हाथ में शेप होने के लिए न दें, यानी एक गुरु की तलाश न करें, तब तक आपका जीवन जो है सार्थक नहीं होगा, तब तक आपको दिशा नहीं मिलेगी, आपकी सार्थकता नहीं है। आपके अंदर ही, आपके सोल के अंदर, आपके कॉन्शियंस के अंदर एक जो है एज ए कॉन्शियंस आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधार सकते हैं। आपको जिंदगी में कोई भी चीज खुशी खुशी नहीं मिलेगी, बहुत सारे पेन और सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ेगा, ये जरूरी है जिंदगी में अगर आपने फिर से और अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपके अंदर का लेड यानी आपके अंदर का एटीट्यूड आपकी दिशा को निर्धारित करता है,
जितना अच्छा एटीट्यूड होगा आप उतनी अच्छा इस जिंदगी की कहानी लिख पाएंगे। और लास्ट है कि जिस जगह पे जाओ अपनी ऐसी यादें और मेमोरीज छोड़ जाओ कि लोग आपकी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए याद करें। ऐसा कहते ही जब मैं एक स्टोरी को आपके साथ फिट करता हूँ तो ये पूरी तरह आप में आपको एक बहुत ही प्रभावी तरीके से विद आर्ग्यूमेंट ज्ञान देने वाली जो है एक छोटी सी स्टोरी होती है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आती है, इसी को पैराबल कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये पैराबल उससे बहुत अलग है, खरगोश वर्गरोश वगैरह वाली से, वो फेबल होती है। ठीक है, वहां पर मैं किसी चीज में इसको अप्लाई नहीं करता हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ। पैराबल ज्यादा इफेक्टिव होती है समझने में। ठीक है, बहुत सारी पैराबल हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़े। Nothing can please many and please long, but just a representation of general nature this quotation is from. बोलो। जॉनसन। ओके, रटा हुआ है, याद है, कहाँ से है, कुछ बता सकते हो? फेस टू शेक्सपियर से। एक स्टोरी थी या पोएट्री थी या प्रोज वर्क था? जल्दी बताओ भाई, इतना देर क्यों? मैं तो कहीं भी फंसा दूंगा, तुम्हें पता है। सर प्रोज वर्क मेरे से मत पूछो, तुम तो मुझसे पूछ रही हो। कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता सकता है प्रेफेस टू शेक्सपियर क्या था? देखा कैसे अटक सकते हो तुम, देखा तुम्हारी तैयारी में कहां लूप होल हो सकते हैं। बोलो, देखा आयोग तुम्हें कहां घुमा सकता है। मैं तुम्हें ये रियलाइज कर रहा हूं, करवा रहा हूं। बोलो जी सर। प्रोज वर्क है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये, क्योंकि जिसने बोला था प्रोज वर्क वो भी कॉन्फिडेंट नहीं लगा, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक चीजें अपने आप से पूछो तैयार करते वक्त, ये नहीं कि रट लो खाली। यही अंतर होता है एक अच्छे स्मार्ट वर्क की तैयारी करने में और इसमें, स्मार्ट प्रिपरेशन। और मैं कहता हूं तुम जो है कम पढ़ो लेकिन उसको स्ट्रांग बना के चलो। अब तुम कहोगे ये कब पढ़े, बिल्कुल नहीं, नोट्स वोट्स में मत घुसना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ ये खेल खेलो अपने में कि मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कितनी चीजें पता है। तुम सोचते हो मैंने 200 क्वेश्चन कर लिए, सीना चौड़ा हो गया। अबे 10 क्वेश्चन करो, 200 बना दो। मैं कौन से क्वेश्चन में हूँ अभी, 9वें क्वेश्चन में, और तुम्हें कितनी चीजें पता चल चुकी हैं। बोलो, चल चुकी है नहीं? तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस में हम पेपर करते हैं वो मात्र पेपर न हो के एक लिटरेरी एटीट्यूड होता है, समझ रहे हो? वो पेपर न हो के लिटरेरी एटीट्यूड है। 10 क्वेश्चन इक्वल टू 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इक्वल टू 1000 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या फिर 1000 गुना आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि असल में मुझे हिट कहां करना है। क्लियर? Yes, ये कुछ कम, इन कमियों को जरा रियलाइज करो और देखो। ये नहीं कि मुझे सब आता है, प्रेफेस टू शेक्सपियर बाय जॉनसन, इट इज रिटन ऑन शेक्सपियर, इट इज दिस दिस दिस, और वहां क्वेश्चन आ गया भैया इट इज अ पीस ऑफ नंबर 1 पोएट्री, नंबर 2 आर्टिकल, नंबर 3 जो है कुछ और बोला, नंबर 4 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, या फिर उसने बोल दिया खाली प्रोज वर्क, और चौथा लिख दिया कुछ और, तो फंस जाओगे।
जिसके पास क्लियर नहीं है. द लाइन द बेस्ट लक ऑल कन लैक है ये, सॉरी इसने गलत टाइप कर दिया, लैक. द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन व्हाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी अकर इन, ये वही लाइन आ गई. द सेकंड कमिंग, जिसका शायद मैंने इसी लाइन का जिक्र किया था ना मैंने. यस सर, ठीक है. चलो डब्ल्यू बी एट्स की पोयम से रिलेटेड सेकंड कमिंग से एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे यार. ये बताओ सेकंड कमिंग जो है फर्स्ट प्रिंट कहाँ हुई थी, फर्स्ट प्रिंटेड? सर द डायल में हुई थी, 1990 में. 1990 में. बहुत बढ़िया. कहीं 1919 कहते हैं, कहीं 20, कोई डरना मत, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है. और मॉडर्निस्ट पोएट्री का तो जबरदस्त एग्जांपल है ही है, ठीक है. और तुम्हें याद होगा, मुझे लाइन अभी तक याद है जब तुम वाला पढ़ते हो कि द ब्लड डिम द टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, कहता हो. फिर कोलन आता है शायद, और फिर कहता हो द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन व्हाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, बाकी ईस्टर 1916 भी अच्छी पोएम है, टार भी है और सेलिंग टू बाइजेंशियम भी है, तो याद रखना. सेलिंग टू बाइजेंशियम, ईस्टर 1916 और सेकंड कमिंग से छोटी छोटी चीजें जरूर कर लेना, ठीक है. हो सकता है तुमने कल ऑनलाइन लाइव जो है इसमें आपने वो किया हो, अटेम्प्ट किया हो पेपर, पर मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ तुम सिर्फ अटेम्प्ट करके तुम में से कुछ ही लोगों ने कुछ कुछ उस चीज के बारे में देखने की कोशिश की होगी. तुमने आंसर देखा होगा और इतिश्री कर ली होगी. बोलो क्लियर है? तो याद रखना 100 टेस्ट तुम्हें कुछ नहीं दिलाएंगे, 10 अच्छी तरह करे हुए टेस्ट तुम्हें एलटी दिलाएंगे, ठीक है. जो लोग ये लालच करते हैं 100 टेस्ट आ जाए मेरे पास, 200 टेस्ट आ जाए, हम एक ही टेस्ट में आपको 100 के बराबर दे सकते हैं, ठीक है. इसलिए ये याद रखो कि चीजों को जितनी भी टेस्ट हैं उनमें कैसे अप्रोच करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू. और हमने हर टेस्ट जो डिस्कस किया है ये तो फुल फ्लेज टेस्ट का एक नमूना है, और पीछे भी हमने जो टेस्ट डिस्कस किए हैं तुम्हें पता होगा कि हमारा स्टाइल यही रहा है कि नहीं. यस सर. जी सर. नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड द पार्टी ऑफ स्कूल बॉयज इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फाइंड देमसेल्व्स ऑन द डेजर्ट आइलैंड, ये किसका है पहले तो ये बता दो. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसकी बुक है? विलियम गोल्डिंग. ये इतनी महान बुक है कि पिछली शताब्दियों में ये जो है सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में मानी जाती है, और हर जगह पे इसकी चर्चा हुई है. क्रिटिक्स के लिए ये बुक आज भी जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और किसी भी व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल या जीनियस को, ये अपने थीम और मैटर से हिला देने वाली किताब है, ठीक है. कितनी फिल्में, न जाने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज, कितने प्ले हो ना, कितने ये हो चुके हैं इस पे ड्रामा जो है शूट, तो आखिर इसमें कुछ तो बात होगी, तो इसका एक सन तो आप याद रखना जरूर. अब इसमें से ऑप्शन चुनो कि कौन सा ऑप्शन है. ए, ऑप्शन ए. वो उस आइलैंड में कैसे आ जाते हैं, डेजर्टेड आइलैंड में? When the plane carrying them crashed on the island. Yes, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है. चलो ये बता दो फिर किस सन में आई थी ये? 1954. Okay. ठीक है, 1954. अब ये भी बता दो कि इस प्लेन में बैठे हुए कौन थे, स्कूल बॉयज, टीनेजर्स, ठीक है. ये प्लेन जो होता है ये कौन सा प्लेन होता है, ये ब्रिटिश एक प्लेन होता है, ब्रिटिश प्लेन.
इसमें एक बड़ा अच्छा करेक्टर है जो ओवरवेट होता है, उसका नाम क्या होता है, ऐसे ही पूछ रहा हूं जरा। पिगी नाम है उसका, पिगी, ठीक है, कभी पूछ सकते हैं। इसलिए एक रॉल्फ है इसमें, अच्छा रॉल्फ का नाम भी पूछा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। डार्कनेस एट नून इज ए नॉवल बाय, सब मॉडर्निज्म से हैं, मॉडर्निज्म थोड़ा कई लोगों का कमजोर होता है इसलिए इसमें फोर्स किया हुआ है। बोलो। आर्थर। ये क्या है, सेटायर है, पोएट्री का कलेक्शन है या बुक है? आर्थर कोस्टलर का है, ठीक है, इसमें KOSTLER होगा। एक मिनट होल्ड करना। बोलो क्लियर है? अब तुम विलियम गोल्डिंग की जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है उसमें कहीं पूरा टेक्स्ट वेक्स मत पढ़ने लग जाना, घुस मत जाना। आपको क्या करना है, वही टाइटल, ईयर, थीम, बस, और इसका मेन अगर कुछ कहीं से कनेक्शन है तो बस, कुछ नहीं करना और, तो कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर पहले वाला एलटी का सिलेबस होता तो मैं जरूर कहता कि यू कैन गो फॉर डिटेलिंग। फिलिप लार्किन, डिटेलिंग अगर आपने करनी है तो टेक्स्ट वालों में करो, जिसके टेक्स्ट स्पेशली दिए हैं, समझ गए? ऑलराइट, तो टैक्स वाले में आप जरूर क्वेश्चंस करो, टैक्स के भीतर के अंदर के कोटेशंस वगैरह ये जरूर करो। बाकी मैं आपको जो ऑथर बेस्ड है उसमें मैंने आपको अप्रोच बता रखी है, वो डीप करने हैं, और बाकी मैं जो टेक्स्ट है उसमें टैक्स ही करना है। और जो ये इज्म इज्म है, इसमें इज्म के मेन फीचर्स देखने हैं, सीधे सीधे मॉडर्निज्म, विक्टोरियनिज्म, मेन फीचर्स, मेन इंसिडेंट्स, मेन मूवमेंट्स, मेन लिटरेरी टर्म्स, और उसके बाद सीधे ऐसे छोटी छोटी जो बड़ी बहुत फेमस किताब है उसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। क्लियर कट है कि नहीं? Yes, जितने भी इजम्स हैं इसमें इसके फीचर्स देखने, इसके मूवमेंट देखने, कोई इंपॉर्टेंट टर्म है वो देखना है, कोई स्कूल है इंपॉर्टेंट ये देख लेना, कोई मिस ना हो रहा हो तुमसे, स्कूल ऑफ पोएट्री या स्कूल ऑफ फिलोसफी एटसेट्रा। और लास्ट में तुम ये जरूर जो उसमें मेन बुक्स हैं उनका वेरी ब्रीफ वर्जन, जैसा मैंने तुम्हें एक आध दिन ये कराया था ना, जैसे मैंने रेनेसा की कुछ किताबें कराई बड़ी अच्छी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, बल्कि मैं उसे दोबारा डाल दूंगा YouTube में तो वो देख लेना, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है बस। बोलो, तो 13वें में आते, फिलिप लार्किन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो हो गया ऊपर वाला। 12वां। Yes, no, sir. आओ भाई। फिलिप लार्किन को कौन सा पोइट कहा जाता है बता सकते हो? W. Yeats. मूवमेंट पोइट, मूवमेंट पोइट, मूवमेंट पोएट। तो अब मूवमेंट पोएट कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्निज्म में तुम्हारा एक जो स्कूल ऑफ पोएट्री है मूवमेंट पोएट्री भी आपको देखनी पड़ेगी, समझ गए बात को, क्या क्या मतलब है? यस सर। ठीक है, मैंने बताई है मूवमेंट पोएट्री भी तुम्हें। तो फिलिप लार्किन वॉज इन्फ्लुएंस बाई, तो किससे ज्यादा प्रभावित था फिलिप लार्किन? W. B. Yeats। ठीक है, और बहुत बहुत ही फेमस पोएट है, समझ लो 20th सेंचुरी का, उसको यहां तक कि क्वींस गोल्ड मेडल भी मिला था पोएट्री के लिए, क्वींस गोल्ड मेडल। और ये फिर एक इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है जो मैं अलग से बता दे रहा हूँ, 1984 में इसको पोएट लॉरिएट बनाने का प्रस्ताव आया जो इसने ठुकरा दिया, तो पोएट लॉरिएटशिप इसने रिजेक्ट कर दी थी 1984 में। ठीक है, क्यों, अब कहे कि किसकी मौत के बाद
जॉन बेंजामिन था, उसके बाद इसको पोएट लॉरिएट बना रहे थे, जॉन बेंजामिन। डब्ल्यू बी येट्स से तो प्रभावित था ही ये, और दूसरा अगर कभी आ गया कौन से नॉवलिस्ट से प्रभावित था तो थॉमस हार्डी, और पोएट्री भी, क्योंकि तुम्हें पता है थॉमस हार्डी पोएट भी था, थॉमस हार्डी से प्रभावित था। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर्स पे थॉमस हार्डी की कौन सी है सबसे बढ़िया पोएम बताओ? द डायनास्टी, द डायनास्टी, सन बताओ, सन सन बताओ, कोई है जो द डायनेस्ट का बिल्कुल क्लियर कट सन बता देगा? 1928 और बताओ, 1905 एक्चुअली देखो क्या है, तुम एकदम क्लियर नहीं बता सकते, इसीलिए मैंने तुम्हें पूछा है क्वेश्चन। इसके तीन पार्ट हैं, नहीं नहीं पहले सुन लो, इसके तीन पार्ट हैं, एक 1904 में छपा है, एक 1906 में और एक 1908 में, समझे? यस सर। और हार्डी ने इसको कहा था एपिक ड्रामा ऑफ द वॉर ऑफ विद नेपोलियन, लेकिन उससे भी गहरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये पोएट्री है, ड्रामा है, नॉवल है, क्या है? ड्रामा है और रिटन इन वर्स है, तो पोएट्री तो है लेकिन ड्रामेटिक पोएट्री है, समझ रहे हो कि नहीं? वर्स ड्रामा है, और वो भी कौन सा, एक स्पेशल क्लोजेड ड्रामा। देखो दो क्वेश्चन यहीं पर जबरदस्त तुम्हारे तैयार हो गए, समझे कि नहीं? क्या होता है क्लोजेड ड्रामा? इट इज मेंट टू बी रीड ओनली, इट इज मेंट टू बी रेड ओनली, रेड नॉट रीड, मेंट टू बी रेड ओनली थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरा मिल्टन का कोई क्लोजर ड्रामा बता सकते हो? सैमसन एगोनिस, सैमसन एगोनिस, सैमसन एगोनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डिंग्स फर्स्ट नॉवल? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये फर्स्ट है गोल्डिंग की? यस सर। अब आप सोच, इतनी इंपॉर्टेंट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो सक्सेस वाली बुक है, वो ऊपर से गोल्डिंग की पहली नॉवल भी है, तो सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बोलो हो गया कि नहीं? जी सर। तो विलियम गोल्डिंग को कभी नोबेल प्राइज या बुकर या पुलित्जर कुछ मिला हुआ है क्या? यस सर। क्या मिला है? नोबेल बताओ तो कब मिला है? 1983 सर। और कौन सा मिला है बड़ा? बुकर मिला है सर। कब? 1980 सर। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? सर हर्षिता। गुड, ठीक है, इसका मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं कुछ। प्राइजेस देखना भी शुरू करो, ठीक है? कौन सा पोएट ऐसा है जिसको चार बार पुलित्जर मिला है? हु इज द ऑथर ऑफ रोजेनक्रेंज एंड गिल्डेस्टन आर डेड? भैया ये तो इसमें तो सारे ऑप्शन मुझे गलत हाँ, चलो तुम सही ऑप्शन बता दो। टॉम स्टॉपर्ड है सर। यस,
ये टॉम स्टॉपर्ट क्या बला है, क्या है ये, कहाँ का है, कौन से सन, कौन से एज का है ये टॉम स्टॉपर्ट? मॉडर्न एज, ये क्या है, ड्रामेटिस्ट है। और ये कौन से ड्रामा लिखते हैं ये लोग, एब्जर्ट प्ले राइट। ये किसको फॉलो करते हैं ये लोग, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर याद है, द बर्थडे पार्टी वाला। केयरटेकर भी है। हाँ, और टॉम स्टॉपर्ट का एक और खास क्वेश्चन बताऊं, एक फिल्म है शेक्सपियर इन लव जो मैंने तुमसे कहा था देखना, शेक्सपियर यस इन सर। लव की, ये नेट पाया क्वेश्चन है, इसकी जो स्क्रीन प्ले राइटिंग है, स्क्रीन प्ले राइट इसने किया है, टॉम स्टॉपर्ट ने, ठीक है, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न सब लिखता है, क्लियर है? तो ये टॉम स्टॉपर्ट है, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, इसने किसी और जगह के ऑप्शन छाप डाले यहाँ। नेक्स्ट है, हु आर द फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल वेन? ऑप्शन सी, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न, स्मॉलर। इसमें स्टर्न एंड ऑप्शन सी, स्मॉलर, फील्ड, स्मॉल फील्ड, सी वाला। वो तो सही है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से कुछ और देना चाह रहा था तुम्हें, तुम्हें पता तो था, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि किसने फोर व्हील्स ऑफ नॉवल कहा था, ये याद रखना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या था, कोई बता सकता है? जॉर्ज सेन्सबरी। क्लियर है कि नहीं? तो तुम में से कितने लोग होंगे जिन्हें फोर व्हील्स ऑफ नॉवल आते होंगे, लेकिन किसने कहा था ये कई लोगों को अभी पता चला होगा, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ना कि वो, जहां क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। ये पेपर तीनों चीजों का मिक्सचर है, मॉडरेट, इजी और अच्छे क्वेश्चन। कंसीडर्ड एडमंड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीकर्सर एंड सॉ हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिकल सन, उसने इतना क्वेश्चन खा डाला। ठीक है, बोलो, विलियम ब्लेक। ठीक है, सर। तो इंग्लिश पोएट है, ब्लेक पेंटर भी है तुम्हें पता है, और प्रिंट मेकिंग में भी था ये। ठीक है, एक ब्लेक पे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसकी पोइट्री एक खास टाइप की कही जाती है, जैसे बेकन के ऐसे होते हैं ना एफोरिस्टिक, तो विलियम ब्लेक की पोइट्री कैसी पोइट्री कही जाती है, कोई बता देगा? प्रोपेटिक पेस्टोरल सर, चर्चयार्ड, पोइट्री, प्रोफेटिक पोइट्री, जैसे प्रोफेट, प्रोफेट्स होते हैं ना, प्रोफेट्स। तो वो कहता है कि मेरी जो फिलोसॉफिकल थ्योरीज हैं और मिस्टिकल जो मिस्टिसिज्म मेरी पोएट्री में होता है, ठीक है, तो कहता है ये सब दो लोगों की देन है, एडमंड स्पेंसर, ठीक है, और मिल्टन का तो मैं कहता है वो पोएटिकल सन ही हूं। ठीक है, एडमंड स्पेंसर जो है वो मिल्टन का प्रीकर्सर था, कहता है एडमंड स्पेंसर सही मायने में मिल्टन का प्रीकर्सर था, कहता है, और मिल्टन का जो चीज है उससे तो मैं इतना प्रभावित हूं कि मिल्टन का मेरे को पोएटिकल सन ही मान लो, कहता है। तो वो प्रोफेटिक पोएट्री की खासियत होती है, आप फिलोसॉफिकल होते हैं, ठीक है, प्रोफेट्स क्या करते हैं बताओ, फिलोसफीज बताते हैं, लाइफ के रास्ते बताते हैं, पैगंबर क्या करते हैं, आपको बताते क्या है,
लाइफ, फिलोसफी, ऐसी चीजें तो बताते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की कौन सी बुक जॉन रस्किन को जो है, जॉन रस्किन की कौन सी बुक ने महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस किया था? कई बार आया वो क्वेश्चन है। अब तुम में से बताएगा जॉन रस्किन क्या था, पेंटर था, पोएट था और किस एज में था? विक्टोरियन। ये फिलोसफर भी था और अब सुनो मेरी बात, ये जो अनटू दिस लास्ट है, ये कौन से सब्जेक्ट का वर्क है, किस सब्जेक्ट से रिलेशन में है? जॉनर क्या इसका, ये ऐसे है, ऐसे किस टॉपिक पे है, ऑन व्हाट? देखा, फंस गए, पैसिव रेजिस्टेंस। आश्चर्य करोगे, इकोनॉमी पे ऐसे है, यही तो मुझे पता है तुम कहां खत्म हो। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मुश्किल हो जाएगा भाई। ये अनटू दिस लास्ट तुम सोचोगे पैसिव रेजिस्टेंस ये वो है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक क्या है इसका, इकोनॉमी। वो तो बीच में आती हैं चीजें जो डिस्कस करता है। लगा कुछ झटका जोरों का धीरे से? यस सर। आया कब था ये, पहली बार पब्लिश कब हुआ था, किस मैगजीन में हुआ था? कॉर्नहिल मैगजीन में हुआ था। कॉर्नहिल में 1860 में। ठीक है, तो गांधी की फिलॉसफी पे इसने असर डाला। ठीक है, गांधी जी को ये किताब 1904 में एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में साउथ अफ्रीका में एक आदमी की वजह से पता चली, उसने बताई। कौन था वो आदमी? सर पोलेक करके था सर नाम, ना सर पोलेक ऐसे। बहुत सही, हेनरी पोलेक ने बताई, इंट्रोड्यूस दिस बुक टू गांधी। आ रहा है मजा नहीं क्वेश्चंस में? यस। आप दूसरी चीज बता दो। ठीक है, गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रस्किन की टीचिंग को इंडियन ओपिनियन में न्यूज़पेपर में छापने की कोशिश की अपने, तो गांधी जी ने ही इसको ट्रांसलेट किया किस भाषा में, बता सकते हो? गुजराती में किया था सर। टाइटल दिया सर सर्वोदय था। सर्वोदय, इसको टाइटल दिया सर्वोदय। और सर्वोदय ये 1908 में इन्होंने ट्रांसलेट करके पब्लिश किया। और ये जो सर्वोदया है, सर्वोदया का मीनिंग होता है वेल बीइंग ऑफ ऑल। बोलो क्लियर है कि नहीं? जी सर। तो यस, आपके 18 क्वेश्चन के कम से कम 60 क्वेश्चन तो बनी गए होंगे, 60-70। बोलो ग्रेवयार्ड पोएट्स। जी सर। ठीक है, ये पेपर जारी रहेगा और शाम को भी जारी रहेगा। ठीक है, हो सकता है, हेलो, आप मेंटली प्रिपेयर रहना, हो सकता है कि मैं ये क्लास, ये पूरे पेपर की आज की इंग्लिश की क्लास 6 बजे ही ले लूं या 5:30 पे ही ले लूं, तो मेंटली प्रिपेयर।